सभी को राधे राधे। मैं अंशु सिंह और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको नाल की टपली स्टार्टिंग से और एंड तक स्टेप बाय स्टेप कैसे जोड़नी है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इसे बताने से पहले सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियो को लाइक करें। हाँ, और इसे सिखाने के बाद लास्ट में मैं आपके उन प्रश्नों का उत्तर दूंगी जो मेरे पास आए हुए हैं कि हमारी लय नहीं बन रही है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमारे स्टेप मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो आज मैं आपकी उस प्रॉब्लम को भी दूर करूंगी। तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से, स्टेप बाय स्टेप नाल की टपली कैसे जोड़ें। मैंने अब तक आपको नाल की टपली के 7 स्टेप सिखाए हैं, 4 एक वीडियो में सिखाए थे, 3 एक वीडियो में। तो आज मैं आपको वो सारे स्टेप जोड़कर बताऊंगी कि आप उसे कैसे जोड़ें और उसकी लय को कैसे बनाएं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टेप था हमारा, देखा आपने, 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टेप में नाल की डपली एंड हो जाती है, पर जब एक साथ बजती है तो बहुत प्यारी लगती है। शुरुआत करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसकी लय को बनाते हैं, वो हम कैसे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हम पहले स्टेप में कहीं रुक रहे हैं, 1 2, हल्का सा अगर कहीं रुकते हैं तो 3 और 4 पर 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 5 6 7 एक साथ 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं आपको यही सारे स्टेप स्टैंड ढोलक पर दिखाती हूँ कि ताकि आपको क्लियर दिखाई पड़े। अब हम देखेंगे इस पर सारे स्टेप हम कैसे बजा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा नाल की टपली बजाते वक्त कि जिस टाइम जो स्टेप उठेगा उसी हिसाब से ये हाथ चलेगा। यानी कि अगर हाथ हमारा नीचे रखा है तो हम उसे पहले ही खींच कर ऊपर नहीं लाएंगे स्टार्ट करने के लिए। क्या होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि हमने स्टेप को एंड किया, अब हाथ हमारा यहां पर है तो हमें पहला स्टेप लाना है। तो ये हाथ हमने कहां रखा है, ये लास्ट हमारा यहां हुआ है। तो लोग क्या करते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं दोबारा तो हाथ को यहां ले आते हैं और इसे यहां ले आते हैं। नहीं, ये हाथ यहां रखा है, ये हाथ यहां रखा है, तो यही रहेगा। अब स्टार्ट करेंगे यहां से, वहीं से ऊपर लाएंगे। अब इसे काउंटिंग के हिसाब से देखते हैं कि मैं इसे कैसे बजा रही हूं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 आपने देखा 1 2 3 4 थोड़ा बहुत बहुत मामूली सा मैं रुककर मैंने 3 4 बोला है, उसके बाद 5 6 7 एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 जो स्टेप जहां लग रहा है हमें उसे वहीं लगाना है। अगर हमें ढोलक की या भंगड़े की या नाग की डपली की, ढोलक की डपली की, भंगड़े की डपली की लय अगर निकालनी है तो जो स्टेप जिस जगह लग रहा है, जिस पोजीशन में लग रहा है, वैसे ही लगाएंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार और देखते हैं इसे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हाथ को हम अपोजिट ले जाते हैं, ना कि सीधा। ये
हाथ हम कहां से रोक रहे हैं? यहां से। जो ऊपर वाला हाथ हमारा आता है वो हमसे यहां से रोक लेते हैं, बाकी हाथ हमारा पीछे चला जाता है। आपकी जितनी आवाज निकलती है वो इन तीन उंगली से निकलती है, ये उंगली हम नहीं लगाते हैं। देखिए आवाज बंद हो गई, जैसे ही हमने चौथी उंगली लगाई है आवाज में चेंज आ गया। हम सिर्फ इतने हाथ से इस डपली को बजाते हैं। एक बार और देखते हैं बहुत स्लो से, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे पूरा मैच करते हैं, यानी कि शुरुआत से और एंड तक। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं जो मेरे पास आए हुए हैं। पहले इन स्टेपों में आपको कहीं भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो या बजाने में दिक्कत हो रही हो, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं यही प्रॉब्लम आपकी नेक्स्ट वीडियो में दूर करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहली बात कि आपकी लय नहीं बन रही, ये प्रश्न मेरे पास बहुत बार आ चुका है कि आपकी लय नहीं बनती है। मैंने आपसे हर वीडियो में यही कहा है कि आप काउंटिंग पकड़ लीजिए, काउंटिंग के हिसाब से आपकी लय जरूर बनेगी। अगर आप काउंटिंग नहीं पकड़ेंगे तो आपकी लय नहीं आएगी। देखिए आप बिना काउंटिंग के भी, जब हम काउंटिंग को याद कर लेते हैं पूरी तरह से और जब हम ढोलक बजाते हैं, तो आप हमेशा देखना कि वो स्टेप भी काउंटिंग बोलते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे हम ढोलक को मैच करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, जितने स्लो मेरे स्टेप बज रहे हैं इतने ही स्लो आप काउंटिंग के हिसाब से बजाइए। मैंने आपसे हर बार इस वीडियो में कहा है कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन आप सोचें कि स्टार्टिंग से बढ़ जाए, नहीं। जब तक आप अपने दोनों हाथों को ढोलक पर पूरी तरह से नहीं बैठा लेते हैं, यानी कि आप कहीं भी मिस्टेक नहीं करते हैं, तभी जाके आपके हाथों की स्पीड बढ़ेगी। आप लोग सोचते हैं कि हमने स्टेप मैच किए और एकदम स्पीड बढ़ जाए, नहीं बढ़ती है, क्योंकि हम गड़बड़ा जाते हैं बीच में, क्योंकि हमें स्टेप याद नहीं होते। लेकिन जैसे हम धीमे धीमे करके स्पीड को बढ़ाते हैं तो वो स्पीड बढ़ जाती है और सारे स्टेप हमारे दिमाग में फिट हो जाते हैं। तो दोबारा काउंटिंग के हिसाब से ढोलक की स्टार्टिंग देखते हैं कि हम कितनी स्लो बजा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सेवन स्टेप का कमाल, ढोलक इतनी अच्छी बजती है कि आप इसे इसी काउंटिंग के हिसाब से, इसी स्पीड के हिसाब से ढोलक बजाइए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी। और कोई प्रॉब्लम आती भी है तो मैं बैठी हुई हूँ आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक प्रश्न मेरे पास आया था कि दीदी आप ढोलक की केयर कैसे करते हैं, कहाँ से खरीदते हैं, कैसे उसे
लेने जाते हैं, जब लेने जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर देखते हैं, मैं इसके लिए आपके लिए पूरा एक वीडियो बनाकर आपको बताऊंगी कि मैं ढोलक जब लेने जाती हूँ तब क्या देखती हूँ। अब तक मैं अपने स्टूडेंट के लिए कम से कम 20 से 25 ढोलक ला चुकी हूँ खुद खरीद कर, क्योंकि वो मुझसे मंगाते हैं कि दीदी आपको जानकारी ज़्यादा है कि ढोलक की लकड़ी कैसी हो, खाल कैसी हो। तो इसी पर मैं आपके लिए पूरा वीडियो बनाकर आपको सेंड करूंगी। आप देखिएगा कि ढोलक को रखने का तरीका, ढोलक को बजाने का तरीका, आप ले जाते तो कैसे ले जाएं, ढोलक रखें कैसे, लेने जाएं तो क्या देखें, सब कुछ आपको बताऊंगी उस वीडियो में। तो चलते हैं, और चलते चलते इसी नाल की ढपली पर हारे के सहारे का बहुत प्यारा सा भजन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मैं आज आपको एक कड़ी जरूर गाकर सुनाऊंगी। और आप देखिएगा कि उसमें नाल की ढपली कितनी स्पीड से बजी है। नाल की डपली आप स्लो भी बजा सकते हैं और स्पीड से भी। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि नाल की डपली इस भजन में कैसे बजी है। तो शुरुआत करते हैं और कहते हैं, खोले जराब द्वार दया का खाटू वाले, खोले जराब, खोले जराब द्वार दया का खाटू वाले, तेरे बिन किसे पुकारे, श्याम हारे के सहारे, तेरे बिन किसे पुकारे, श्याम हारे के सहारे। ओ खोले जरा, खोले जरा, खोले जरा द्वार दया का खाटू वाले, लख दातार पालन हार श्याम हारे के सहारे, तेरे बिन किसे पुकारे, कैसा ये सुंदर हार बनाया, कैसा ये सुंदर हार बनाया, कई बागों से फूल मंगाया, कई बागों से फूल मंगाया, प्रेम का धागा इसमें लगाया खाटू वाले, प्रेम का धागा, इसमें लगाया खाटू वाले, लख दातार पालन हार श्याम हारे के सहारे, तेरे बिन किसे पुकारे, श्याम हारे के सहारे, तेरे बिन किसे पुकारे। हो खोल जरा, खोल जरा, पूरे हारे के सहारे की जय। तो कैसा लगा आपको ये भजन, आप मुझे जरूर बताइएगा। और इस पर मैंने सिर्फ नाल की ढपली ही बजाई है, क्योंकि ये जो गाना है ना, आप इसे इस गाने को सुनिएगा, इसमें ना जो धुन लास्ट में बजी है वो बिल्कुल नाल की ढपली से ही मैच करती है। तो चलते हैं, और चलते चलते सभी से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियो को लाइक करें। तो कहते हैं एक बार, राधे राधे।